आगे बढ़ो, तो सोचना चाहिए ना। फुकहा उलमा इतनी कुर्बानी, अभी उस जमाने में भी क्या दो नंबर मौलवी भी थे क्या? उस जमाने में भी थे, लेकिन उनका नाम कोई नहीं जानता, आज भी यही होगा, इनको सब भूल जाएंगे, दो नंबर नंबर कोई नहीं रहता, बाकी कौन रहता? बाकी वो रहता है जो दुनिया से मतलब हक्का की हक्कानियत का कलमा पढ़वाता है, बाकी रहता है कोई, बाकी रहता है खुमैनी, बाकी रहता है सिस्तानी, जिसने पोप वेटिकन के पोप ने घर पे आके एतराफ किया कि तुम अजीम हो, हमसे अजीम हो, समझ में आई बात? सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद, हमारे बड़े बड़े फुकहा मुफ्तियान दीन कहां कहां के पता नहीं कौन कौन से सब उधर हाजिर लगा के आए, और उसे उस पूछे में आना पड़ा बारीक से, यहाँ गाड़ी वाले कुछ नहीं जा सकते, अब मेहमान का एहतराम किया, अगर सिस्तानी जानते कैसे किया, अगर सिस्तानी कुर्सी पे नहीं बैठते सबको मालूम, नीचे जो गद्दी फर्श पे वही है, जिन्होंने देखा है वो जानते हैं, उन्होंने तो बहुत देखा है, लेकिन क्योंकि मेहमान आर्थराइटिस का मरीज था, देखा था ना चलते चल भी सीधा नहीं सकता, तो बेचारा बड़ी मुश्किल से वहां से चलता हुआ पैदल कूचे के अंदर तक आया था, तो उसके लिए बेंच बिछाई गई थी, हम नीचे बैठते, कोई बात नहीं एक बार हमारी सुन्नत खत्म हो जाए लेकिन मेहमान को तकलीफ ना हो, ये जो मेहमान है उसको हैरान हो, हालांकि उन्हें पहले बता दिया गया था भाई नीचे बैठना, जैसे भी बैठेंगे शुक्रिया अदा करने आया था, किस बात का थे, तुमने हमारी बच्चियों की इज्जत और अस्मत की हिफाजत की, हमारी बच्चियों की इज्जत की, इज्जत की हिफाजत की, उन्हें खरीद के उन दरिंदों से वापस इनके हवाले किया, एक इस्लाम क्या कह रहा था, इनको खरीदो, इनको उठाओ, कनीज बनाओ और 100-100 डॉलर में बेचो, जी बाजार में लाके कीमत लिखी होती थी 70 डॉलर 80 डॉलर 100 डॉलर बेचारी बैठी उनको बेचा था कि कनीज, ये सारी पूरी दुनिया ने देखा है, जब ये खबर आ गई सिस्तानी तक पहुंची तो आ गई सिस्तानी ने फतवा दिया कि तमाम मुखैर मोमिन जाओ उनको खरीदो और खरीदने के बाद इनके घरों में पहुंचाओ, तो दुनिया ने दोनों इस्लाम देख लिया ना, अभी ना माने तो और बात है, लेकिन सामने तो अल्लाह ले आया ना, आज के दौर में कितनी बड़ी वाली मौजजा नहीं कि सारी दुनिया ने देखा, शर्म से सबके सर झुक गए कि वो और है और मजहब अहले बैत और है।